हे एवरीवन, डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 153। मैंने अपनी सो गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो मैं पता है अभी प्रोग्राम में जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई। सो गाइज, यहाँ मैंने हेयर वॉश कर लिया है वैसे तो पता है, और मैं जल्दी जल्दी नहा धो के आई थी, हेयर वॉश भी किया, फिर मेरा सडनली मूड चेंज हो गया। मेरा मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है सच में, और मैं नीचे जा रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं नहीं जा रही, मम्मी आप चले जाओ, बस नीचे चलते हैं। मेरी चम्मी को हुई यार, मुझे मिल नहीं रही है। मैं पता है अब सुबह से 3 घंटे से देखने में बिजी हूँ, और देखती हूँ यार मिल जाए तो। मैंने कहाँ रखी थी यार, मैं कहाँ रख देती हूँ चीज़ों को, मुझे खुद कुछ। और वो ना स्कूटी की चाबी थी, करूँ बट देखती हूँ यार कहाँ रखी होगी, मैंने कुछ नहीं समझ आ रहा, बट कोशिश करते हैं मिल जाए तो। मम्मी को यार समझना चाहिए था मैं कहाँ ढूंढूँ। नहीं मिल रही यार। सो यहाँ मुझे वो वाली की तो नहीं मिली, लेकिन मेरे पास एक और रखी हुई थी, वो मैंने ले ली है, बट कोई ना यार वो मिल जाएगी तो मैं उसको देखूंगी। अगर ये भी खो गई तो फिर कैसे काम चलेगा। सो चलो मैं नीचे जा रही हूँ, बाय बाय। एक ही गेट यार इतना टाइटली लॉक होता है ना कि मेरे प्राण निकल जाते हैं इस गेट को लगाने में, बदतमीज सा। सो सौरभ के डायमंड के इयररिंग्स, ओह माय गॉड, डायमंड है ये, प्योर डायमंड। इनको पता है ऐसे छुपा के रखती है, ऐसे पता नहीं क्या ही है ये। अभी बाहर जा रही थी तो मैंने कहा लियाना को लिया सौरभ, तो सोनम ना इनको पता है अंदर रख के बोली, मैं इनको अंदर रख के जाऊंगी, तो मैंने कहा ये डायमंड के नहीं है बहन, इनको छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं ले जाएगा, इनको डायमंड समझती है तो। और इस लड़की को ना सारा टाइम पेड़ पे बाहर आते ही ना अमरूद दिखते हैं, जब भी ये अमरूद दिखती है ना पता नहीं क्या पागल हो जाती है, पेड़ से सारे अमरूद तोड़ और रख दे। धूप का अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेज धूप पड़ रही है यार। मैंने आज बाल धुलने के बाद कितने तारे लगते हैं, 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद झाड़ू टाइप लगने लगते हैं मुझे अपने आप में। बुआ जी गई मेरी, बुआ जी गई मेरी। सो मम्मी जा रही है यहाँ शिवपुरी भंडारे में सुनौता खाने के लिए, सो सब लोग जा रहे हैं, चाची जी वगैरह। ऊपर ऊपर इतना आगो, इतना आगो। और यहाँ आ गए थे हाथी राजा, सो मैंने सोचा लियाना को भी दिखा देते हैं, बाबा भी बुला रहे थे लियाना को, लेकिन ये तब तक लियाना गई तब तक ये जा चुके थे, तो लियाना इनके ऊपर नहीं बैठ पाई। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने बियर की ये साड़ी, हाँ ठीक है। तो यहाँ ना मैं अपनी बैंगल्स का साइज थोड़ा छोटा ले आई थी, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पहनने में। देखना देखना, ए मम्मी
ये देखो ये क्या है, ये देखना हिनाया, हिनाया ये लो जो बोलते ना। हाँ डिस्चार्ज है, तो चार्ज कर लो। लाइट गई, इन्वर्टर को इन्वर्टर को। और ये लड़की ना मन्नू इतनी बदतमीज है, मुझे देखती रोने लगती है यार। मुझे समझ ही नहीं आता मैंने इसके साथ किया क्या है। देखेगी वैसे ही रोना स्टार्ट कर देगी, बस ऋषि चाहिए इसको। तो गाइस बस हम लोग जा रहे हैं नीचे और यहाँ आ गई ये बदतमीज लड़की हिनाया। ए मन्नू जाके कान पकड़ रही है। छोटा बीबी, छोटा बीबी, छोटा बीबी। इसको तो मैं कदे ही नहीं ले जाऊँ, इसको तो मैं मार लगा दूँ। सो यहाँ मैं और चाची जी दोनों नौता खाने जा रहे थे, तो बाहर ये लड़की मुन्नू फिर से मुझे मिल गई, तो मैंने इसकी थोड़ी सी पिटाई लगा दी। और यहाँ हम नौता खाने के बाद लौट रहे थे घर। और ये मेरे फेवरेट अमरूद यार, मतलब कि ये पता है कल पूरी फुल प्लेट थी, आज सारे कम हो गए क्योंकि लाना ने कुछ एक दो खाए और फेंक दिए, मतलब थोड़ा सा टच करती है फेंक देती है। सो हमने बहुत सारे अमरूद तोड़े थे नीचे रखे, बहुत सारे आप लोगों को खाने में तो जरूर आना। सो गाइस मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं सोच रही चाय बना लेती हूँ, पहले से चाय बनी हुई रखी थी तो सोच रही हूँ इसी में थोड़ा सा सब कुछ ऐड कर देती हूँ और मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सो बस चलो चाय बनाती हूँ, लाइट चली गई है, गैस पे यूज़ करते हैं। सो यहाँ मैंने बनाया था वेजिटेबल चीला और लियाना के लिए बनाया था, लेकिन लियाना ने बिल्कुल भी नहीं खाया था, हम सब लोगों ने ही खाया था ये। और ये मेरा फेवरेट इलायची पाउडर, सो ये इसके बिना मुझे चाय अधूरी अधूरी लगती है, इससे चाय में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो अभी टाइम हो गया है 6:20 और सोच रही हूँ तब तक मेरी चाय उबल रही है तब तक मैं बाहर घुमाती हूँ। दाल भी लगा दी है, कुकर चढ़ा दिया इंडक्शन पर और मैं बना रही हूँ चने की दाल और क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा उसको, उड़द की दाल और चने की दाल, और मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं इस दाल में तड़का लगाऊंगी। सो मैं यहाँ कर रही हूँ वेजिटेबल चॉप और अपनी दाल में तड़का लगाने वाली हूँ।
और ये प्याज काटना ना बहुत रिस्की काम है यार, आंखों से ऐसे आंसू निकलते हैं ऐसे किसी ने मार मार के पागल कर दिया हो। सुबह से यहाँ मैंने अपनी दाल में चौक लगा दिया था और मेरी दाल बन के हो गई थी एकदम रेडी, बस खाने का इंतजार था कि सब लोग खाना खाए तो मैं रोटियां भी सेक दूं जिससे। नानू के घर काम चल रहा था तो मैं शाम को गई थी। सो वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।